जेनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो जेनेटिक्स के अंदर यूज की जाती हैं। सबसे पहले जीन की बात कर लेते हैं। तो जीन को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं? तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो एक जेनेटिक ट्रेट के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ऑर्गेनिजम्स के बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसके अलावा हम लोग इसे यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं, क्योंकि जीन्स जो हैं वो जेनेटिक ट्रेट को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। मेंडल ने इस जीन के लिए फैक्टर टर्म जो थी वो यूज़ की थी। जीन जो शब्द था वो मेंडल के बाद 1909 में जोहेंसन के द्वारा दिया गया था। जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर ऑर्डर में या लीनियर फैशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आए हुए हैं। जीन्स आर अरेंज्ड इन ए लीनियर फैशन ऑन द क्रोमोसोम। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। द वर्ड जीन वाज कॉइन्ड बाय, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जोहेंसन इन 1909। उसके बाद क्वेश्चन देखो, एन इनहेरिटेड फैक्टर दैट डिटरमाइंस ए बायोलॉजिकल करेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जीन। दूसरा हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे एलिल्स की। तो एलिल्स क्या होते हैं? ये जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और इनमें सेम लोकस पर जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स जीन्स की प्रेजेंट हैं, यहाँ पे तीन जीन्स हैं और तीन जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म्स अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे एलिल्स। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये आपस में एलिल्स होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए ये आपस में एलिल होंगे और कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आपस में एलिल्स हैं। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज ऑल्सो नोन एज, तो आंसर आ जाएगा एलिल्स। उसके बाद देखो, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड, यहाँ पे आंसर आ जाएगा एलिल। उसके बाद तीसरी टर्म हम लोग बात करेंगे जीनोम की। तो जीनोम क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है कंप्लीट, उसको हम लोग जीनोम कह देते हैं। इस जीनोम के अंदर वो सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी ऑर्गेनिज्म को फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है या आवश्यक होती है। तो क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ ए डिप्लॉयड प्लांट इनहेरिटेड एज ए यूनिट इज कॉल्ड, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जीनोम। तो जीनोम जो है वो गैमेट्स में होता है और गैमेट्स जो हैं उसको नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें क्या होता है, जब हम प्योर एंड कंट्रास्टिंग करेक्टर्स रखने वाले जो पेरेंट प्लांट्स होते हैं उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो उस क्रॉस के दौरान अगर हम ओनली वन जेनेटिक ट्रेट को कंसीडर करते हैं या उसको ध्यान में रखते हैं, तो इसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसके अंदर जो फिनोटिपिक रेशियो है F2 जनरेशन के अंदर वो 3:1 आता है और जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 आता है। एग्जाम्पल इसमें फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो आप, कैपिटल टी ये एक पेरेंट है जो कि प्योर है और इसका क्रॉस करवाएंगे स्मॉल टी के साथ जो कि प्योर पेरेंट है, दूसरा पेरेंट है, तो दोनों के करेक्टर्स क्या हो गए, कॉन्ट्रास्टिंग हो गए। क्वेश्चन देखो किस तरह से हुआ है, ड्वार्फ पी वाज रिएक्टेड विद जिब्रेलिक एसिड। तो एक ड्वार्फ पी है, पी प्लांट है जो कि ड्वार्फ है, उसको जिब्रेलिक एसिड से हमने ट्रीट करवाया जिससे ये क्या हो जाता है, पी प्लांट टॉल हो जाता है। अब इस टॉल पी प्लांट का जो क्रॉस है वो करवाया जाता है प्योर टॉल प्लांट्स के साथ, तो ये कहता है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा F1 जनरेशन के अंदर। तो जिब्रेलिक एसिड जो है वो किसी भी प्लांट के जीनोटाइप को चेंज नहीं कर सकता, जो जीनोटाइप है इस ड्वार्फ प्लांट का लंबा होने के बाद भी या लॉन्ग होने के बाद भी, टॉल होने के बाद भी स्मॉल टी ही रहेगा। तो जब हम स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी के साथ करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो रेशियो है वो जीनोटाइप है वो आता है और इस कंडीशन के अंदर जो प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं, 100% टॉल प्लांट्स होते हैं, तो इसमें 4th आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 इज, तो ये मैंने आपको अभी बताया 3:1 जो है वो मोनोहाइब्रिड में फिनोटिपिक रेशियो आता है, तो आंसर आ जाएगा 3rd। उसके बाद देखो, ए क्रॉस इन्वॉल्विंग ए सिंगल करेक्टर कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन इज नोन एज, तो इस क्रॉस के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही करेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम लोग बात करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस की। तो इसमें क्या होता है, जब हम दो प्योर एंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रखने वाले पेरेंट प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो उस क्रॉस के दौरान अगर हम दो जेनेटिक ट्रेट्स को कंसिडर करते हैं या उनको ध्यान में रखते हैं, तो उसको हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इसके अंदर जो एफ टू जनरेशन के अंदर फिनोटिपिक रेशियो है वो आता है 9:3:3:1, और जो जीनोटिपिक रेशियो है वो आता है 1:2:2:4:1:2:1:1:2:1। इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो अलग अलग जीन्स के जीन्स हैं, कैपिटल टी और कैपिटल आर, ये प्योर फॉर्म में है, तो ये एक पेरेंट हो जाएगा, उसका क्रॉस हम लोग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले दूसरे पेरेंट से करवाएंगे जो कि प्योर होते हैं, तो स्मॉल टी और स्मॉल आर। क्वेश्चन देखो, इन विच रेशियो प्योर स्मॉल डी कैरेक्टर्स विल अराइज फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन, ये आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है इसके अंदर, तो ये टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस है जिसके अंदर चार जेनेटिक ट्रेट्स को लेके हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें चाहे टेट्रा हाइब्रिड हो, पेंटा हाइब्रिड हो, हेक्सा हाइब्रिड हो, कोई भी हाइब्रिड क्रॉस हो, उसके अंदर आपसे अगर होमोजाइगस डोमिनेंट जीन्स के बारे में या एलील्स के बारे में पूछते हैं तो 1:4 आंसर आएगा, अगर हेटरोजाइगस कंडीशन में पूछते हैं तो 1:2 आंसर आएगा, और अगर होमोजाइगस रिसेसिव के बारे में पूछते हैं तो यहाँ पे 1:4 आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये होमोजाइगस रिसेसिव के बारे में पूछ रहे हैं तो आंसर आ जाएगा 1:4। उसके बाद रेसिप्रोकल हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, जब दो प्लांट्स के बीच में हम लोग क्रॉस करवाते हैं मेल एंड फीमेल पेरेंट को चेंज करके, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे देख सकते हो आप, पहले फर्स्ट क्रॉस के अंदर जो ए है प्लांट, इसको मेल पेरेंट की तरह यूज़ किया हमने, और बी जो है इसको फीमेल पेरेंट की तरह यूज़ किया है। अब क्रॉस टू के अंदर हम अगर अपने इसको चेंज कर दें, जो ए है इसको फीमेल पेरेंट की तरह यूज़ करें और जो बी है इसको मेल पेरेंट की तरह यूज़ करें, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। तो देख सकते हो आप रेसिप्रोकल क्रॉस जो है इसके ऊपर दो मार्क्स की क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या होता है, जब हम दो पेरेंट्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो हमें F1 हाइब्रिड जो है वो मिलता है। अब इस F1 हाइब्रिड का क्रॉस अगर हम किसी भी इसके एक पेरेंट के साथ करवा दें तो इसको हम लोग बैक क्रॉस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे देखो ए और बी पेरेंट्स हैं, इनके बीच में क्रॉस करवाया हमने तो हमें F1 हाइब्रिड मिल गया। अब इस F1 हाइब्रिड का क्रॉस अगर हम करवाएंगे ए या बी दोनों में से किसी भी एक के साथ, तो इसको हम लोग बोलेंगे बैक क्रॉस। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन ऑफस्प्रिंग्स एंड इट्स पेरेंट्स इट इज नोन एज, तो ऑफस्प्रिंग और पेरेंट के बीच में यानी F1 हाइब्रिड और इसके पेरेंट के बीच में अगर क्रॉस है तो उसको हम लोग बैक क्रॉस बोलते हैं, तो थर्ड आंसर इसमें आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखो, टेस्ट क्रॉस क्या चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, हम दो प्योर पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं जिससे हमें F1 हाइब्रिड मिलता है। अब इस F1 हाइब्रिड का क्रॉस अगर हम इसके प्योर रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस रेशियो जो है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आता है 1:1, और जो डायहाइब्रिड क्रॉस है उसके अंदर ये टेस्ट क्रॉस रेशियो आता है 1:1:1:1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने प्योर पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाया, कैपिटल टी का क्रॉस करवाया स्मॉल टी के साथ, जिससे हमें F1 प्रोजेनी मिल गई। अब इस F1 प्रोजेनी का क्रॉस अगर हम करवाएंगे जो रिसेसिव पेरेंट है स्मॉल टी उसके साथ करवाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। क्वेश्चन देखो किस तरह से हुआ है, इफ ए डायहाइब्रिड इज टेस्ट क्रॉस्ड द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ प्रोजेनी विल बी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1:1:1:1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए डायहाइब्रिड इज टेस्ट क्रॉस द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ प्रोजेनी विल बी, तो अभी मैंने आपको बताया 1:1:1:1, तो आंसर आ जाएगा थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन देखो, द क्रॉसिंग बिटवीन F1 एंड इट्स रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर इसमें आ जाएगा ट्रू। टेस्ट क्रॉस पे दो नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है, तो ये आपको लिखनी है। उसके बाद हेटरोजाइगस टॉल प्लांट्स वर क्रॉस्ड विद ड्वार्फ प्लांट्स द रेशियो ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ इन द प्रोजेनी वुड बी, तो यहाँ पे देख सकते हो आप हेटरोजाइगस टॉल प्लांट, इसका मतलब F1 हाइब्रिड का हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ, ड्वार्फ प्लांट्स के साथ, इसका मतलब रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक तरह का टेस्ट क्रॉस है, और टेस्ट क्रॉस में जो रेशियो आता है टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट प्रोजेनिस का वो 1:1 आता है, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछ रहा है, तो 1:1 इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल विद द रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज, तो इसमें आंसर आ जाएगा टेस्ट क्रॉस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑफ ए डायहाइब्रिड प्रोजेनी इज 9:3:3:1। बिल्कुल गलत बात है, जो टेस्ट क्रॉस रेशियो है वो आता है 1:1:1:1। तो आंसर इसमें आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद थ्री पॉइंट टेस्ट क्रॉस क्या चीज होती है? तो इसमें अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मोनो या सिंगल पॉइंट टेस्ट क्रॉस, और अगर डायहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं तो उसको टू पॉइंट टेस्ट क्रॉस बोल देते हैं। तो उसी प्रकार से अगर थ्री ट्राईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर अगर हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं तो उसको थ्री पॉइंट टेस्ट क्रॉस बोल देते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमें ट्राईहाइब्रिड क्रॉस करवाना है और ट्राईहाइब्रिड जो इंडिविजुअल है उसको ऑब्टेन करना है। उसके बाद ये जो ट्राईहाइब्रिड इंडिविजुअल होगा ये हेटरोजाइगस होगा एट ऑल थ्री लोकाई, जो तीनों के तीनों लोकस हैं उनके उन पर ये हेटरोजाइगस होगा कंप्लीटली। और उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं इस ट्राईहाइब्रिड के साथ, और इसी को ही बोला जाता है थ्री पॉइंट टेस्ट क्रॉस। देख सकते हो आप थ्री पॉइंट टेस्ट क्रॉस पे दो नंबर की डेफिनेशन पूछी हुई है, तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है डोमिनेंस। तो डोमिनेंस क्या चीज होती है? तो इसमें हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स रखने वाले पेरेंट्स हैं उनके बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो दोनों ट्रेट्स में से अल्टरनेटिव जो ट्रेट्स होते हैं उनमें से एक जो ट्रेट होता है वो तो एक्सप्रेस हो जाता है F1 हाइब्रिड के अंदर, जबकि दूसरा जो ट्रेट होता है वो हिडन रहता है या छुपा हुआ रहता है। तो जो जो ट्रेट एक्सप्रेस हो गया उसको हम लोग डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे, और जो ट्रेट छुपा रहा हिडन रहा उसको हम लोग रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो हमने प्योर पेरेंट्स के बीच में ट्रेट करवाया क्रॉस करवाया, और इसके अंदर जो कैपिटल टी है ये टॉल प्लांट है तो इसका जो ट्रेट है वो जाएगा टॉल प्लांट, और स्मॉल टी ये ड्वार्फ प्लांट है तो इसका ट्रेट हो जाएगा ड्वार्फनेस। तो इनमें क्रॉस करवाया हमने तो हमें F1 हाइब्रिड मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे कौन सा करेक्टर जो है वो एक्सप्रेस हुआ? तो टॉल प्लांट का जो करेक्टर था वो यहाँ पे एक्सप्रेस हो गया है, इसीलिए टॉल जो ट्रेट है ये क्या है डोमिनेंट है या प्रभावी है। तो यहाँ पे कैपिटल टी टॉल और स्मॉल टी ड्वार्फ। तो डोमिनेंस के ऊपर दो नंबर की डेफिनेशन पूछी हुई है तो ये डेफिनेशन आपको बता देनी है। नेक्स्ट टर्म हम लोग करेंगे हेटरोजाइगस क्या चीज होती है। तो इसमें क्या होता है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की के दोनों लोकस पर जो एलिल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं हेटरोजाइगस स्टेट। ये जो टर्म थी हेटरोजाइगस ये दी थी बेटसन ने 1902 में। होमोजाइगस जो टर्म थी ये भी बेटसन के द्वारा 1902 में दी गई थी, और हेटरोजाइगस जो टर्म है वो भी इसी ने दी थी। इस सिचुएशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप के गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी ये हेटरोजाइगस कंडीशन है, उसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी हेटरोजाइगस कंडीशन है। इनमें से प्रत्येक जो है वो दो टाइप के जो गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन देख सकते हो, एन इंडिविजुअल हैविंग डिफरेंट एलील्स फॉर ए जीन, एक जीन के लिए कहता है कि इंडिविजुअल के डिफरेंट एलील्स हैं, एंड प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स इज नोन एज, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो टाइप के जो गैमेट प्रोड्यूस करता है उसको बोलेंगे हेटरोजाइगस। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हेटरोजाइगस। एन इंडिविजुअल हैविंग टू डिफरेंट एलील्स इज कॉल्ड, तो इसको बोलेंगे हम लोग हेटरोजाइगस, आंसर आ जाएगा हेटरोजाइगस। द होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस वर्ड्स फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटसन ने 1902 में ये टर्म दी थी, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद बात करेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो ईयर 1900 है इसको द ईयर ऑफ रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो जो एक साइंटिस्ट था कार्ल कोरेंस, उसने क्या किया था, जो मेंडल के द्वारा डिस्कवरीज की गई थी उन डिस्कवरीज को लॉज ऑफ हेरिडिटी के रूप में एस्टेब्लिश करने का काम किया था। तो ये चार लॉज हैं हम लोग पढ़ेंगे इनको, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर अपने बात कर लेते हैं, तो इसमें जब हम पेरेंट प्लांट्स जो कि डिफरेंट अल्टरनेटिव ट्रेट्स रखते हैं और जेनेटिकली प्योर पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, तो उस क्रॉस से जो F1 हाइब्रिड हमें मिलता है उस F1 हाइब्रिड में जो एक ट्रेट है वो तो एक्सप्रेस हो जाता है जबकि दूसरा ट्रेट जो है वो हिडन रहता है। ठीक है, तो जो ट्रेट एक्सप्रेस हो गया उसको तो डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, और जो ट्रेट हिडन रहा उसको रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, जैसे कोडोमिनेंस के अंदर और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग या अल्टरनेटिव ट्रेट्स हैं वो एक्सप्रेस होते हैं डिफरेंट रेशियोज के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कैपिटल टी
टॉल प्लांट है जो कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, स्मॉल्टी स्मॉल्टी ड्वार्फ प्लांट है जो कि एक रिसेसिव कैरेक्टर है। इन दोनों में हमने क्रॉस करवाया तो जो F1 हाइब्रिड मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल प्लांट होगा। इसका मतलब टॉल प्लांट का जो कैरेक्टर है, टॉल जो कैरेक्टर है ये डोमिनेंट है, जबकि जो रिसेसिव कैरेक्टर है ड्वार्फ ये यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो इसलिए इसको रिसेसिव बोल देते हैं। दूसरा हम लोग करेंगे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो गैमेट्स बनते हैं वो जेनेटिकली 100% प्योर होते हैं, इसका मतलब उसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होता है। एक जीन के जो दोनों एलिल्स हैं वो कभी भी साथ साथ नहीं रहते हैं, नेवर रिमेन टुगेदर, बल्कि वो क्या होते हैं, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो वो अलग अलग गैमेट्स के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए जो गैमेट्स हैं वो 100% जेनेटिकली प्योर होते हैं और इसी को ही लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे F1 हाइब्रिड जो है इसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों टाइप के एलिल्स हैं जो कि एक टॉल प्लांट है। जब इस प्लांट के अंदर गैमेट्स बनेंगे तो जो कैपिटल टी होगा वो एक गैमेट में चला जाएगा और स्मॉल टी दूसरे गैमेट में चला जाएगा। इस तरह से जो गैमेट्स बने हुए हैं ये 100% जेनेटिकली प्योर हैं। उसके बाद तीसरा हम लोग करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जब F1 प्रोजेनी के जो प्लांट्स हैं उनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो दोनों के दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंट गैमेट्स के अंदर चले जाते हैं और इसी वजह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर एलिल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और डिफरेंट गैमेट्स के अंदर वो भी एंटर कर जाते हैं और यही प्रोसेस कहलाता है सेग्रीगेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे F1 हाइब्रिड है जो कि हेटरोजाइगस है टॉल प्लांट, इसके अंदर दो टाइप के एलिल्स हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, स्मॉल टी दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और डिफरेंट गैमेट्स में चले जाएंगे और उसके साथ साथ ये जो एलिल्स हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये भी डिफरेंट गैमेट्स के अंदर एंटर कर जाते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आप देख सकते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद देखो व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये बताना है आपको, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल, तो एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन कर देना है 4 मार्क्स के अंदर। उसके बाद बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। तो इस लॉ के अनुसार जो दोनों के दोनों एलिल्स हैं, एक जीन के दोनों एलिल्स का जो सेग्रीगेशन है वो दूसरे जीन के दोनों एलिल्स के सेग्रीगेशन से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और इसी वजह से क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर से एलिल्स के न्यू कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बनते हैं, ठीक है, कब बनते हैं, सेकंड जनरेशन के अंदर, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ऐसा होता है। लेकिन जो एक्सेप्शन है इसका वो है लिंकेज। तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे F1 हाइब्रिड है, कैपिटल टी और कैपिटल आर ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर है, स्मॉल टी और स्मॉल आर ये दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर है। अब होना क्या चाहिए, कैपिटल टी और कैपिटल आर को एक गैमेट में चले जाना चाहिए और स्मॉल टी और स्मॉल आर को दूसरे गैमेट में चले जाना चाहिए, लेकिन क्रॉसिंग ओवर की वजह से दो नए कॉम्बिनेशन और बन जाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर। तो ये जो दो नए कॉम्बिनेशन बने हैं ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से बने हैं और ये कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर ये पेरेंट टाइप के जो कॉम्बिनेशंस हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट्स जो हैं वो बन जाते हैं, किस वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। लेकिन अगर लिंकेज होता तो ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होता और क्रॉसिंग ओवर नहीं होने से सिर्फ 2 ही टाइप के गैमेट्स बनने थे, तो लिंकेज इसका एक्सेप्शन है। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपको बताना है, एक्सप्लेन द सेम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल, 15 मार्क्स में इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी हुई है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपको लिखनी है। उसके बाद 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन लॉज ऑफ मेंडल गिविंग एग्जांपल ऑफ ईच मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो आपको चारों के चारों जो लॉज मैंने बताए हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद 15 मार्क्स में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये आपको चारों लॉज डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद देखो डिस्कस मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेंडल के इनहेरिटेंस के लॉ हैं आपको डिस्कस करने हैं, विच लॉ डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाई। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो नए कॉम्बिनेशन हैं वो बनते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो प्लांट्स के अंदर क्रिएट होती है। तो इसमें 15 मार्क्स के अंदर आपको क्वेश्चन करना है।
उसके बाद देखो 15 मार्क्स में और क्वेश्चन आ हुआ है डिस्कस मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये आपको डिस्कस करने हैं। फिर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ हुआ है व्हाट आर मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको डिस्कस करने हैं। उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ गैमेट्स की। तो टाइप्स ऑफ गैमेट्स के लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है 2 to the power n, यहाँ पे n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हेटरोजाइगस पेयर्स। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप लोग टाइप्स ऑफ गैमेट्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्वेश्चन आया हुआ है हाउ मच टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 हेटरोजाइगस पेयर हैं, तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो 2 to the power 2, तो 2 into 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद देखो ए प्लांट विद द जीनोटाइप कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू विल प्रोड्यूस कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो आंसर इसमें आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जीनोटाइप कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू विल प्रोड्यूस कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल जी कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू गैमेट्स। बिल्कुल सही बात है, तो इसमें आंसर आ जाएगा ट्रू। उसके बाद कॉपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो टर्म्स थी वो विलियम बेटसन के द्वारा दी गई थी, और ये जो थ्योरी है वो बेटसन एंड पुनेट के द्वारा दी गई थी। अगर कॉपलिंग की बात करें तो ये कहता है कि अगर एक ही पेरेंट से जो जीन्स आते हैं वो एक ही गैमेट के अंदर एंटर करेंगे और वो साथ साथ उनकी इनहेरिटेंस होगी या उनकी हेरिडिटी होगी, तो इसको बोल देते हैं कॉपलिंग। उसके बाद रिपल्सन की बात करें तो ये कहता है कि जो जीन्स डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं वो डिफरेंट गैमेट्स के अंदर एंटर करेंगे, इसलिए वो सेपरेटली या डिफरेंटली अलग अलग रहकर वो इनहेरिटेड होंगे, तो इसको हम लोग बोल देते हैं रिपल्सन। क्वेश्चन देखो, द टर्म कॉपलिंग एंड रिपल्सन वर कॉइन्ड बाय, तो ये किसके द्वारा दी गई थी, बेटसन एंड पुनेट के द्वारा दी गई थी, तो आंसर आ जाएगा बेटसन एंड पुनेट, फर्स्ट आंसर इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखो द टाइटल ऑफ मेंडल्स पेपर वास, तो मेंडल के पेपर का जो टाइटल है वो था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट। तो इट इज़ सेमिनल पेपर जो कि रिटर्न राइट किया गया था किसके द्वारा, 1865 के द्वारा, 65 में मेंडल के द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और इसको उसने पब्लिश करवाया था 1866 के अंदर, ठीक है। और ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आप देख सकते हो द टाइटल ऑफ मेंडल्स पेपर वास, तो एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये इसमें आंसर आ जाएगा।